तो इस तैयारियों को लेकर ये बैठक आउट की गई है। इसमें हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है और यात्रा कैसे भव्य हो और कैसे सफल हो इस पर एक योजना बनानी है और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। कौन कौन से लोग कितने संख्या में आ सकते हैं, आस पास पड़ोस अपने इष्ट मित्र तमाम ऐसे लोग हैं जो संगठन से नहीं जुड़े हैं उनको भी इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करना है। 1992 में भारत के इतिहास में लगा कर्बला बाबरी मस्जिद का ध्वंस हिंदू जनसैलाब द्वारा कर दिया गया था। इसी दिन को शौर्य दिवस के रूप में समस्त हिंदू समाज हिंदू संगठनों द्वारा मनाया जाता है। विगत वर्षों की भारत हिंदू जागरण मंच अब की भी एक विशाल शौर्य दिवस यात्रा का आयोजन कर रहा है। इसी संदर्भ में आज एक बैठक आयोजित की गई है जिसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और आपस के सभी पदाधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। यात्रा 1 बजे रामलीला मैदान से अन्नपूर्णा मंदिर धाम तक जाएगी। यात्रा मार्ग पर जगह जगह स्वागत की तैयारियां की गई हैं। यात्रा को कैसे भव्य बनाया जाए और कैसे उस पर संख्या बल और मोटरसाइकिलें कैसे सम्मिलित हों, अधिक से अधिक लोगों से संपर्क व लोगों से आह्वान किया गया है जिससे कि यात्रा को भव्य रूप दिया जा सके।